बड़ी बड़ी ढींगे मारते हो, स्वयं को सर्वशक्तिमान समझने का भ्रम पालते हो और एक बालक के प्रहार से ही व्याकुल हो गए। Yeah!
असुर, यदि तुझे जीवित छोड़ दिया गया तो तू संसार को भस्म करने का दुस्साहस करेगा। तू नहीं जानता मूर्ख, मेरी भूख कभी शांत नहीं होती। क्यों ना तुझे ही अपना भोजन बनाकर मैं अपनी भूख को शांत कर डालूं। श्री गणेश की जय। सांब सदाशिव गौरी पुत्र और महोदर श्री गणेश की जय। मोहासुर संहारक महोदर श्री गणेश की जय। सांब सदाशिव माता पार्वती महोदर श्री गणेश और गौरी पुत्र श्री गणेश की जय। ओम सांब सदाशिवाय नमः। देवाधिदेव महादेव, अग्नि में शरीर वाले मोहासुर को उदर में डालते ही मेरी भूख की ज्वाला अब शांत हो गई है। हम जानते हैं प्रिय महोदर, अपनी क्षुधा की अमिट ज्वाला को शांत करने के लिए तुम्हें मोहासुर को आहार बनाना ही था। यदि तुम उस अहंकारी को उद्रस्त ना करते तो वो असुर शक्ति के साथ त्रिलोक को अस्त व्यस्त कर देता। सखा महोदर, आज तक तो मैंने केवल सुना ही था कि लोहे को लोहा काटता है, परंतु आज तो देख भी लिया, तुम्हारी भूख की ज्वालाएं मोहासुर के शरीर की ज्वालाओं से शांत हो गई। अब माता को मोदकों का भंडार बनाने का कष्ट नहीं करना पड़ेगा। पुत्र के लिए माता कष्ट नहीं करती, पुत्र को खिलाकर तो माता प्रसन्न हो जाती है। प्रभु, अब मुझे भी आज्ञा दें। आपके साथ ही साथ परम देव श्री माँ गणेश की आराधना करके मैं अपनी उस भूल का प्रायश्चित करूंगा जिसके कारण संसार के सामने मोहासुर का संकट प्रकट हुआ। आपको प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं है दैत्य गुरु, न ही आपने कोई भूल की थी। ये आप क्या कह रहे हैं मोहासुर संहारक महोदर श्री गणेश? ये सब परम देव श्री महागणेश और भगवान भोलेनाथ की लीला थी। यदि आप मोहासुर को प्रकट होने के लिए विवश न करते तो मैं उसे अपना आहार कैसे बनाता, अपनी भूख को शांत कैसे करता? महासुर संहारक महोदर श्री गणेश की जय। सर्वशक्तिमान भगवान महासुर विजयी हो। सर्वशक्तिमान भगवान महासुर संसार पर अधिकार करें। सर्वशक्तिमान भगवान महासुर की जय हो, जय हो, जय हो। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? मेरे शरीर के भीतर अग्नि के विस्फोट क्यों हो रहे हैं, क्यों हो रहे? मेरी सहायता करें, मेरी सहायता करें भगवान महासुर, मेरी सहायता करें, इस प्रचंड कपाली की सहायता करें, सहायता करें। प्रचंड 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 मेरे शरीर कांत ये बता रहा है कि आप भी संसार में नहीं रहे। हे भगवान महासुर, जब दैत्य शक्ति के प्रतीक सर्वशक्तिमान भगवान महासुर का अंत हुआ तो मुझे भी जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है, मैं भी अपने आप को समाप्त कर दूंगा। प्रचंड भगवान महासुर, गुरुदेव, हा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 
सैनिकों, दासियों, आज्ञा महाराज। जय शशिवाह दिनेश। महाराज शशिवाहन, इस दुष्टा शशि प्रभा ने आपको कुछ समय के लिए अवश्य भ्रमित कर दिया था, परंतु अब ये अपने पापों का दंड भुगतने के लिए असुर शक्तिहीन हो गई है। ये झूठ है। सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर के वरदान की आसुरी शक्ति कभी नष्ट नहीं हो सकती। जय जय श्री मां गणेश। अरे मूर्खा, तेरा सर्वशक्तिमान मोहासुर महोदर श्री गणेश के हाथों केवल युद्ध में पराजित नहीं हुआ, अपितु उनका भोजन भी बन गया। महाराज शशिवाहन, मोहासुर और प्रचंड कापालिक के समाप्त होते ही इसकी सारी वरदानी शक्ति समाप्त हो गई है। अब ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, आप इसे दंडित करें। जय शिवा गणेश। जय शिवा गणेश। देखते क्या हुसैन को, इस दुष्टा को आज की रात काल कोठरी में बंद कर दो। कल प्रातः राजधानी के प्रमुख चौक पर इसे पत्थर मार मार कर मृत्यु दंड दिया जाए। नहीं, नहीं, ले जाओ इसे। नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। जय जय श्री मां गणेश। जय जय श्री मां गणेश। महाराज शशिवाहन, परम गणेश भक्त पटरानी कीर्ति अब तक अवश्य ही सचेत हो चुकी होंगी। आप शीघ्र ही श्री गणेश की आराधना करके उन्हें संकट मुक्त करें। हम पर महान उपकार करने वाले, क्या आप अपना परिचय भी नहीं देंगे? परिचय? जय जय श्री मां गणेश। भक्त का भक्त से परिचय? हे महाराज, श्री गणेश भक्ति ही मेरा परिचय है। श्री गणेश ने ही मुझे दयासुर का नाम प्रदान किया है। आपका कल्याण हो। जय जय श्री मां गणेश। मेरे आराध्य मंगलमूर्ति श्री गणेश, उस दुष्टा शशि प्रभा ने अपनी तंत्र मंत्र शक्ति से मेरे पुत्र पर वज्रपात किया है। मेरे पुत्र की रक्षा करें मंगलमूर्ति, मेरे पुत्र की रक्षा करें मंगलमूर्ति, मेरे पुत्र की रक्षा करें प्रभु, मेरे पुत्र की रक्षा करें प्रभु, मेरे पुत्र की रक्षा करें। महाराज, महाराज, श्री गणेश कृपा से आपको स्वस्थ देखकर मन प्रसन्न हो गया देवी। महाराज, मेरा शिशु, मेरा पुत्र। आप चिंता न करें पटरानी कीर्ति, श्री गणेश कृपा से सभी विघ्नों का अंत हुआ। नहीं नहीं महाराज, मुझे भय लग रहा है, वो दुष्टा शशि प्रभा कभी भी आकर अपनी असुरी शक्तियों का प्रयोग हम पर करेगी। शशि प्रभा की सभी आसुरी शक्तियां नष्ट हो चुकी हैं। हमने स्वयं उसे दंडित करके कालकोठरी में बंद करवा दिया है। कल सूर्योदय के साथ ही नगर के प्रमुख चौक पर प्रजाजन उसे पत्थरों से मार मार कर यमलोक पहुंचा देंगे। उस पापिन के पापों का ये परिणाम तो होना ही था महाराज, आपने उसे मृत्यु दंड देकर उचित ही किया। क्षमा करें महारानी, ये समय सोच विचार में व्यर्थ करने का नहीं है। हमें अपने होने वाले युवराज को स्वस्थ और सुरक्षित करने के लिए भगवान श्री गणेश से प्रार्थना करनी चाहिए। ये बात तो परम गणेश भक्त दयासुर ने भी कही थी। ओम गणपते नमः। ओम गणपते नमः। ॐ गं गणपते नमः। ॐ गं गणपते नमः।
गणपते नमः। ॐ गं गणपते नमः। ॐ गं गणपते नमः।